वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 17 कॉस्ट अकाउंटिंग का। कल आपने चैप्टर स्टार्ट करवाया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर था फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर नंबर 10, तो उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला से जो इन क्वेश्चन को बेस कर रहे थे वो मैंने फार्मूलाज आपको कल करवाए थे, उसी के मुताबिक आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 17 है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। अ कंपनी अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड टू इट्स प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, कि जो कंपनी है उसकी प्रोडक्शन आप चेक करना चाह रहे हैं कि लेबर आवर्स पे क्या पोजीशन है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर द कंपनी प्रिपेयर द फॉलोइंग एस्टिमेट्स, कंपनी ने कुछ एस्टिमेशन की है कि एक्चुअल कैपेसिटी जो होगी ना कंपनी, वो एस्टिमेट कर रहे हैं टाइम आने से पहले, ये सोच रहे हैं कि हमारी कंपनी में हमारी फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 100,000 घंटे काम होगा फॉर द ईयर, अगले एक साल के अंदर। उन्होंने क्या बताया है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, सलाहियत कितनी है 100,000 घंटों की। तो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने आएंगे हमारे पास, 100,000। एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH, फिक्स्ड FOH क्या होता है, जो कि कल भी हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स्ड FOH वो फैक्ट्री ओवरहेड है जो कि सेम रहेगा, जिसके अंदर चेंज नहीं आएगा, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो चाहे प्रोडक्शन कम हो, ये FOH हमारा सेम रहेगा। तो फिक्स्ड FOH है 520,000 का, एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH 520,000। एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH, वेरिएबल जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो बढ़ जाएगा, कम प्रोडक्शन हुई तो कम हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो है 780,000 रुपये का। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो साल ख़त्म हुआ तो हमें ये पता चला कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या थे। एक्चुअल रिजल्ट ये थे, कैपेसिटी कितनी अटेन हुई हमारी, 9,000 घंटे जो है वो काम हुआ। हमने एस्टिमेट किया था कि 100,000 घंटे काम होगा, काम हमारा एक्चुअल से कम हुआ। फिर क्या हुआ, एक्चुअल FOH हमने सोचा था कि तकरीबन 520,000 और 780,000, यानी तकरीबन ये 13,00,000 का फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होगा, लेकिन हुआ कितना, एक्चुअली फैक्ट्री का खर्चा कितना पड़ा, 11,00,000 रुपये का। हमने कैलकुलेट करना है अंडर और ओवर अप्लाइड FOH, बजट वेरियंस और आइडल कैपेसिटी वेरियंस, इन तीनों के फार्मूलाज आप पहले से कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम डाटा कैलकुलेट कर लेते हैं, एक साइड पे डाटा कर लेते हैं। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर, यानी एस्टिमेट एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी डायरेक्ट लेबर आवर्स के मुताबिक 100,000 की है। एस्टिमेटेड फिक्स FOH 520,000 का है। एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH 780,000 का है। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर, यानी एस्टिमेट एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी डायरेक्ट लेबर आवर्स के मुताबिक 100,000 की है। एस्टिमेटेड फिक्स FOH 520,000 का है। एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH 780,000 का है। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, देखें आप क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन जो कि 90,000 की है, 90,000 हमने अलग लिख दिया। फिर एक्चुअल FOH है, जो असल में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा बना है वो 11,00,000 का कैलकुलेट किया गया है, ये डाटा हमने सेट असाइड कर लिया। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी अंडर आर ओवर अप्लाइड FOH, तो इसके लिए फार्मूला है एक्चुअल FOH लेस अप्लाइड FOH। एक्चुअल FOH क्वेश्चन के अंदर मौजूद है सबसे एंड पे 11,00,000 रुपए का, तो हमने वो 11,00,000 इधर एज इट इज़ एंटर कर लिया। उसके बाद है अप्लाइड FOH, तो अप्लाइड FOH के लिए फार्मूला आपके पास मौजूद है जो आपने कल किया था। अप्लाइड FOH कैसे कैलकुलेट करते हैं, अप्लाइड FOH इज इक्वल टू कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट। कैपेसिटी अटेन क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 90,000 पुट करेंगे, अप्लाइड रेट हमने कैलकुलेट करना है, तो हम अप्लाइड रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्लाइड रेट के लिए एस्टिमेटेड FOH, यानी जो टोटल FOH है आपका वो यूज़ करेंगे, टोटल एस्टिमेटेड FOH यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो टोटल FOH बनेगा फिक्स और वेरिएबल FOH को मिलाने से, जो कि 520,000 और 780,000 का है। डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स पे, डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे 100,000 के मौजूद है क्वेश्चन में, तो अप्लाइड रेट हमारे पास आता है कितना, 13 पर घंटा पर आवर के हिसाब से। तो इस 13 को हम अपने अप्लाइड की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट, तो हमारे पास टोटल अप्लाइड FOH आता है 11,70,000 रुपये का। तो इस 11,70,000 को आप पुट करते हैं, आप देखें अप्लाइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, एक्चुअल खर्चा
11 लाख का आया है, तो आपने बताना है अप्लाइड, अप्लाइड ज़्यादा था या कम था। तो एक्चुअली हमारे पास 11 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं, अप्लाइड उससे ज़्यादा था, तो इट्स मींस अप्लाइड अगर ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारा ओवर अप्लाइड FOH है। रिक्वायरमेंट नंबर टू है बजट वेरियंस आपने कैलकुलेट करना है, जिसका दूसरा नाम ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुका है, स्पेंडिंग वेरियंस होता है। तो हम देखते हैं ये बजट वेरियंस क्या है। बजट वेरियंस का फार्मूला है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड लेस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। बजटेड FOH कैलकुलेट करने के लिए फिक्स FOH प्लस कैपेसिटी अटेंड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट यूज फैक्ट्री ओवरहेड लेस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। बजटेड FOH कैलकुलेट करने के लिए फिक्स FOH प्लस कैपेसिटी अटेंड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट यूज़ करें, कि फिक्स FOH क्वेश्चन के अंदर मौजूद है एज इट इज़ इधर पुट कर दें 5,20,000 का, कैपेसिटी अटेंड क्वेश्चन के अंदर मौजूद है एज इट इज़ 90,000 का एंटर कर देंगे मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट की कैलकुलेशन हमने करनी है, तो वेरिएबल रेट का फार्मूला आपने प्रिपेयर किया होगा यकीनन, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर की एस्टिमेशन उसने की थी कि तकरीबन 1,00,000 घंटे नेक्स्ट ईयर में काम होगा, और एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH जो है वो 7,80,000 का मौजूद है। तो वेरिएबल रेट आता है हमारा 7.8 पर आवर। तो जब हम ऊपर बजटेड के फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास बजटेड FOH बनेगा 12,22,000 रुपये का। लेस एक्चुअल FOH, एक्चुअल FOH क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 11 लाख का, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो बनता है 1,22,000 का। अब देखें हुआ क्या, हमने बजट रखा था कि तकरीबन 12,22,000 का खर्च होगा, लेकिन हुआ क्या, खर्च उससे कम हुआ। तो ये मुनासिब हालात हैं, फेवरेबल पोजीशन है, इसलिए आप इस आंसर को क्या लिखेंगे, ये फेवरेबल है 1,22,000 रुपये का। फिर रिक्वायरमेंट नंबर सी है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। अप्लाइड FOH आपके पास मौजूद है, बजट FOH आपके पास मौजूद है, सॉरी बजटेड FOH आपके पास मौजूद है, आप इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो वो आएगा 52,000। अब देखें हुआ क्या कि आपने जो अप्लाई किया फैक्ट्री ओवरहेड वो 11,70,000 का था, तो आपका जब अप्लाइड FOH कम हो, सॉरी अप्लाइड FOH ज़्यादा होगा और बजटेड FOH कम हो, तो उस वक्त वो हालात होते हैं फेवरेबल। अभी क्या है, बजटेड FOH हमारा ज़्यादा है, जब बजटेड FOH ज़्यादा है अप्लाइड FOH कम है, तो इट्स मींस कि ये हमारा अनफेवरेबल पोजीशन है। तो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 52,000। ये है हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।